हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हो गए 2 दिन पपीज को, ये देखो। और ये लीजा ने इस पर चढ़ के पूरा यही फाड़ दिया। बताओ, रात को अंदर अपने कमरे पर रखा हुआ था मैंने। मैं रात को यहाँ से उठा के अपने कमरे पर लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर वगैरह रहते हैं। दूसरा, अगर पंखा चलाएं तो बहुत ठंडा हो जाता है, तो अपने कमरे पर रखता हूँ। मैं इसे रात भर दूध पिलाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। 1 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया। भाई साहब, बहुत दिक्कत है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। लीजा यहाँ बैठो ना, मैं दूध पिलाऊँ। आ जाओ, चलो उठो, कम लीजा, घूम वहाँ जाओ। चलो, ये रे भैया, अभी लीजा ने कट्टा फाड़ दिया है, ये वाला पेटी। अभी बार बार आते रहेंगे। सिट, बैठो 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 बैठो, इधर पे नहीं बैठोगे, उधर को बैठो। चलो दूध, ये देखो। लीजा सिट डाउन डाउन, पीछो, ये नहीं उठने वाली इस जगह से। अब बाकी भी चुपचाप शांति से सो गए हैं। अभी 2 डेज के हो गए, इतने बड़े हो गए। ये काफी बड़े मेल है, जो ये 2 मेल हुए ना, एक ये वाला और एक दूसरा था, पता नहीं कौन सा वाला, ये वाला है शायद, ये वाला। ये जो 2 मेल हैं, ये फादर में गए बिल्कुल। इनका फादर, अगर आपने देखा होगा वीडियो, मैंने दिखाया था 7th या 8th वीक प्रेग्नेंट वाली वीडियो में दिखाया था मैंने लीजा की, उसमें मेल, तो बिल्कुल अपने मेल में गए दोनों। बाकी बच्चे भी लीजा में गए हैं, ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ के हो रखे हैं ये वाले। आप इसके कंपेरिजन में इसको देख लो, दोनों में साइज़ में डिफरेंस कितना है। अगर मैं आमने सामने रख दूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई, एक हादसा हो गया इसके साथ कल रात। ये देखो, ये जो निशान दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ना जेनी ने इसे काटा। अब क्यों काटा, ये ऑब्वियस ही बात है, इसने बच्चे दे रखे हैं तो ये अपने बच्चों के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो कल रात जब ये खुली थी यहाँ से, जेनी बाहर ही घूम रही थी, तो ये जेनी को काटने चली गई। और ये जेनी को काटने चली गई तो शेर बन रही थी। पहले तो जेनी डर रही थी, जेनी कुछ कर नहीं रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती जेनी को काटने जा रही थी, तो फिर जेनी को गुस्सा आया और जेनी ने इसे लपेट लिया। वो तो अच्छा हुआ, आस पास ही थे और हमने जेनी को पकड़ लिया। भाई साहब, जेनी ने इसे ऐसा लपेटा ना, क्या हो गया, अब नहीं पीना क्या? अब ये देखो, अब नहीं पीना इसने, हाँ नहीं पीना, ये लो पियो। ये देखो, बस हो गया, इतनी सी भूख है, इतनी सी भूख ले, क्या 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 करना है 2 मिनट। अब ये पी तो रही है, तो इसे कल जेनी ने लपेट लिया। क्यों जेनी, क्यों मारा इसको, क्यों काटा? कोई नहीं, आपसे नहीं, इन दोनों को अलग अलग ही रखना है, खोलना बिल्कुल नहीं है। भाई साहब, जेनी को काटने जाती थी, बताओ। ये बेबी सो गए अभी, तो बस यही था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो अपडेट अबाउट 2 डेज, 2 दिन के हो गए। पहले वाली डिलीवरी वाली वीडियो में देखोगे तो कितने छोटे से, इतने से लग रहे थे, इतने से, अभी थोड़े बढ़ गए हैं। सो दैट्स प्रीटी मच। और दूसरी बात, एक और चीज़, एक सब्सक्राइबर ने शायद मुझसे पूछा था कि डिलीवरी जब होने वाली होती है तो पता कैसे चलता है कि अब डिलीवरी होने वाली है ना, क्या क्या साइंस है उसके। वही है, पहली बात तो डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफेगा वो, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। दूसरी बात कि वो ना नेस्टिंग करना शुरू करता है, या वो अपने मतलब जहाँ वो बच्चे देता है वहाँ बार बार जाने लग जाता है। तो जैसे लीजा बार बार इस रूम पर आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे डेज एग्जैक्टली काउंट पता नहीं थे कि इतने डेज होने वाले हैं। तो बार बार लीजा इस कमरे में आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। तीसरा, उसने खाना छोड़ दिया था एक रात पहले, तो लीजा ने जब खाना छोड़ा तो तब भी मुझे ध्यान नहीं आया क्योंकि मुझे डेज का पता नहीं था। तो ये कुछ 2-3 साइन है, या एक और साइन हो सकते हैं कि जिससे पता चल जाए। जैसे एक डिगिंग हो गया, बहुत एक्सट्रीम डिग, खोदने लगी थी गड्ढे,
तो ये 3-4 साइन है जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फीमेल है वो आप बच्चे देने वाली है। सो बस आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए और डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करके रखना या किसी ऐसे एक्सपर्ट को जो डिलीवरी करते हो डॉग्स की, ताकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा उल्टा हो और फीमेल बहुत टाइम से बच्चा ना दे रही हो, तो आप पहले से सतर्क रहें और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत उसे बुला लें। बस ये सब चीज़ें हैं पहले से जो प्रिकॉशंस रख सकते हैं आप। ये देखो, इस महाशय ने पूरी पेटी पिचका कर सारे बच्चे ऐसे बाहर निकाल दिए। अब बच्चे यहाँ आ गए, अब बाकी बच्चे ये हैं। क्या हो गया बेबी, क्यों पेटी पिचका रही? तो अब नहीं लाऊंगा उसको, पिचका देगी या उसमें घुस जाएगी। रात को उसके अंदर घुस गई थी। अब देखो ये, अब इसने पूरी पेटी पिचका दी, उसके उस पर सो गई है बच्चों के पास, और एक बच्चा वहाँ भी आ गया है। अब ये देखना ऐसी पिचकाई, अब नई पेटी लाऊंगा उसको भी ऐसी दबा देगी, कोई फायदा है नहीं। रात को भी ऐसी सो गई थी मुंह डाल के उसमें। खाने की बात करूँ तो हम इसको ये फीड देते थे जब ये प्रेग्नेंट थी। ये मदर एंड पप वाला स्टार्टर है ना, तो इसको हम ये देते थे। तो अभी भी मैं उसको ये दूंगा, इसमें से थोड़ा, इसमें थोड़े से चावल मिलाकर। ज़्यादा नहीं, बस अपने हिसाब से करके देना आपको। इसमें थोड़े से चावल बचे हुए थे, ये है, और ये थोड़ा सा सूप था चिकन का, चिकन का सूप। चिकन पीसेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सूप दे रहा हूँ ताकि उसको खाने में टेस्ट आ जाए। मैं इसको मैश कर लूँगा, हल्का सा ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दूँगा। मिक्स कर लिया, मदर एंड पप खिलाते रहना ताकि दूध होता रहे और बच्चों को दूध मिलता रहे, है ना, जब तक है। बाकी से वेजिटेबल्स वगैरह भी देते रहो उबाल के। ये लो, बच्चों को बताना। जी देखो, हाँ बेबी, चलो इसको खाओ, मैं बच्चों को उठाता हूँ। ये देखो इसको यार, इसने पूरी पेटी अब तो अच्छे से पिचका दी है। ये अब किसी मैंने बच्चों को दवाई रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।